The trailer of the film. One second. Why don't you all come here so I can look at it? Why don't you sit down a little bit? Come in the middle. Come more. Is that okay? I think we should be able to give you a much better after the release. A lot of people, you know, they get confused because the title is Holiday, and obviously by now everybody knows it's a very intellectual, serious thriller. It's a film which deals with a thing called, which we have never heard about. It's about sleeper cells, and it's a film directed by Mr. Murugadas, one of a very capable and very amazing director. And it's a film which you have to watch it. And it's a film which we have dedicated to the Indian Army. And that's it. Well, for me, I showed the film to my family and friends last night on my birthday, and everybody really enjoyed it. I mean, everybody who was present there are people who, when they like my films, they tell me immediately that they liked it. If they don't like a film of mine, they tell me that as well. But here, unanimously, everybody said that it was a very well-made, very entertaining, very exciting film, and I'm really looking forward to the release, because I'm a big fan of Murugadas sir's work, and he's gone one up on himself here as well, so I'm really looking forward to it. सर, आपके लुक को लेकर आपके लुक में हर फिल्म में जुदा जुदा रहते हैं, लेकिन अगर इस फिल्म की बात करें, आप जो हैं, जैसे दिखते हैं, मूछे वगैरह बिना उसके, जो अक्षय कुमार दिखते हैं उसी तरह से नजर आ रहे हैं, लुक के लेकर कुछ खास बात हुई थी कि आप ये आपका कॉल था, उस कॉल वर्क जैसे ना डायरेक्टर कॉल और योर कॉल की सजेशन की मैं ऐसे ही लिखना चाहूँगा। अमूमन मिलिट्री की हम बात करते हैं, आर्मी की हम बात करते हैं, मूछे वगैरह, जो आपके बहुत सारे गैटर्स वहाँ से रहे हैं जी, इसके अंदर जो भी कॉल है वो डायरेक्टर का होता है, एंड ही इज़ टेकन अ कॉल कि मैं ऐसा लगना चाहिए, एंड दैट्स इट। इसके अंदर सॉरी आपको मुझे इतनी अच्छी लगती हैं, लेकिन इस फिल्म के अंदर नहीं है। इसके अंदर बहुत ही सिंपल रखा हुआ है, जैसा मैं लगता हूँ। बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा कि जैसा मैं लगता हूँ वैसे ही रखा हुआ है। उसका कारण ये है कि एक सोल्जर अपने हॉलीडे पे आता है बहुत मेहनत करने के बाद, बॉर्डर पे काम करने के बाद, और इधर आके रियलाइज़ करता है कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, जिनको कहते हैं स्लीपर सेल्स। और इस फिल्म के अंदर वो बताया जाता है कि स्लीपर सेल्स क्या है, क्या करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं। और मैं डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी से हूँ, सो बाकायदा जब मैं हॉलीडे पे हूँ, लेकिन फिर भी दिमाग काम पे लगा हुआ है, क्योंकि आई कैन सी समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग इन आवर सिटी। सर, एक आपके सर ऐसे लुक ऊपर रहेगा, सर डाउन जा रहा है। हाँ जी, लुक ऊपर का सर, सेमी सर। अच्छा, तो बड़ा अजीब सा लगता है, नीचे से सवाल लिया। पीछे पूछ ले सर, नीचे डाउन जा रहा है। डाउन, अच्छा, चलिए। सुनाक्षी, आल्सो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम यू विल बी प्लेइंग बॉक्सिंग एंड ऑल, यू नो, इट्स क्वाइट अ डिफरेंट स्टफ फॉर यू। इट इज, या। What you're saying? And also, you have been trained by Vijay Murugadas. Could you just elaborate? Well, yeah, there's one scene in the film where I'm supposed to be in a boxing championship, and Murugadas sir, because he's somebody who believes in making things look very realistic, he wanted the boxing also to look convincing. So Akshay made me meet Vijender Singh, and he showed me the basics of, you know, body language of a boxer. How I should throw a mean punch, and just so that it looks convincing on screen, and I think it did eventually. Sir, आपने बहुत साल पहले की स्टैंडिंग और उसके बाद कई सालों के बाद आप एक और फिल्म कर रहे हैं जहां आर्मी का हिस्सा बने, कैसे देखते हैं इस पूरी जर्नी का? सर, यू नो, कुछ यादें ताजा होती हैं एवं इतने सालों के बाद फिर एक आर्मी का। लाइट बत्ती बंद हो गई।
नहीं वो बोले किसी कैमरा में आई नहीं रहा लेकिन बत्ती अभी भी नहीं आई. ठीक है चलो ठीक है. कहाँ गए वो इंसान? हाँ जी पूछे पूछे. सैनिक का एक फिल्म आपने की थी और उसके कई सालों के बाद एक और फिल्म जो है जहाँ आदमी का बंदे नजर आ रहे हैं, किस तरह की यादें ताजा होती हैं सर और कैसे देखने की पूरी जर्नी दोनों वाह तब आपने की और आज? जी वो बिल्कुल फिल्म अलग थी, ये फिल्म बिल्कुल अलग है. हाँ उसमें भी आर्मी मैन था, इसमें भी हूँ, लेकिन इसके अंदर डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी से ताल्लुक़ रखता हूँ और मतलब कैरेक्टर मेरा अलग हो जाता है. एंड उसके अंदर मुद्दा अलग था, इसके अंदर मुद्दा अलग है. और अगर आप जर्नी की बात करें तो उसके बीच में कुछ और 50-100 फिल्में और कर चुका हूँ, तो वो जर्नी के बारे में बात करना अभी मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ. एंड बहुत ही अगर आप मुझे कोई फिल्म के बारे में कुछ चीज़ पूछना चाहे तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप जर्नी के बारे में पूछना चाहे तो कुछ मैं समझा नहीं एक्चुअली क्या बोलूँ आपको अपने जर्नी के बारे में. ओके सर, कैसा कितना ग्रो किया है सोनाक्षी एज एन एक्टर, क्या कहना चाहेंगे आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी सर. अच्छा सोनाक्षी जी ने बहुत मुझे लगता है ये इनकी 9वीं या 10वीं फिल्म होगी, ये इनकी 9वीं 10वीं फिल्म है. एंड मैंने इनकी एक फिल्म देखी थी लुटेरा, और मुझे बहुत अच्छा लगा था इनका काम उस फिल्म के अंदर. खास करके बहुत सारी और फिल्में देखी लेकिन लुटेरा का मैं जानबूझ के बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि एक हीरोइन जो फिल्मों में सिर्फ 9-10 फिल्में कर चुकी हैं और एक रिस्की काम था, और इसे उस फिल्म को उठाना अपने शोल्डर के ऊपर और लेके जाना बहुत ही कमाल की बात थी. एंड आई ऑलवेज कीप अप टू इट कि इनको नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए उस फिल्म के लिए. सोनाक्षी जिस तरह से रिस्पांस प्रोमो को मिल रहा है, गानों को मिल रहा है, म्यूजिक को मिल रहा है, आप मानते हैं कि आदि जन जीती जा चुकी है, सब लोगों ने इतना अप्रिशिएट करना चालू कर दिया प्रोमो को म्यूजिक को? मैं खुश हूँ कि लोग प्रोमोज और म्यूजिक को अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये यू नो साफ नज़र आता है कि एक जिस तरह की फिल्में हमने की है उससे काफ़ी अलग है. ये एक एक्शन थ्रिलर है एंड आई डोंट नो आधी जंग जीत चुके हैं या नहीं, वो तो फ्राइडे को ही पता, फ्राइडे सैटरडे संडे को पता चलेगा. बट उम्मीद यही है कि जितना लोग प्रोमोस को अप्रिशिएट करें उतनी फिल्म को भी अप्रिशिएट करें, क्योंकि ये वाकई में बहुत ही अच्छी बनी फिल्म है. Last two questions. There's a lot of talk that you know this 100 crore club, lot of numbers has been created. Now that the director of the film, you know, he was the first man who after Rajneet, it was 100 crore. There's a lot of expectation also from Holiday. So I don't think so. Let's not talk about the expectation of the film. It's a very serious film. It's a film, as I told you earlier also, this film is dedicated to the Indian Army. It has a lot of causes which youngsters and everybody, every Indian should watch it and see the film and understand. We should not take people who wear uniform for granted. Even a traffic police officer who is standing outside and controlling the traffic, we should not take for granted. Because I think it's a very essential that we respect uniform, any form of uniform. And that is what it teaches you, what they actually go through while taking care of us and our family in our city. So there's a lot of, I'm not talking about whether it's going to do 100 crores or 200 crores or 50 crores. I'm more interested in how do people take this and how seriously they talk about the film. Okay, sir, jaise aapne kaha ki, jaise aapne bataya ki puri deshbhakti ke bare mein, police ke bare mein, army ke bare mein. Maninder Singh Bhitter ji ne bhi kahin film ko bahut saraha hai aur unhone PM se gudarish ki hai ki film ko tax free kara jaye aane wale waqt mein. जी देशभक्ति की बात इन द सेंस इट्स बहुत अलग हिसाब से बात. इसके अंदर कोई दो कंट्री के बीच में फाइट नहीं दिखा रहे. इसके अंदर एक यही बता रहे हैं कि हमारे बीच ही प्रॉब्लम है और हमें अपने बीच की प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, रादर कि हम किसी और देश के बारे में बात करें, किसी चीज़ के बारे में बात करें. और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आर्मी ऑफिसर आता है और उसके साथ काफ़ी और भी आर्मी ऑफिसर्स रहते हैं.
ये एक मुद्दा है जो मैं समझता हूँ बिट्टा साहब ने अगर ये बात कही है तो बहुत बहुत धन्यवाद कि एक ऐसी फिल्म लोगों के पास टैक्स फ्री करके जाए ताकि कम पैसों में वो फिल्म हर इंसान ये फिल्म देख सके. बहुत बड़ी बात होगी अगर ये फिल्म टैक्स फ्री हो जाए तो. आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर इट. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. नाउ